हिमाचल प्रदेश सरकार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी आज जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने पंजवार ढक्की में सरकारी स्कूल के नए भवन का शिलान्यास किया। वहीं सलाह में 3.48 करोड़ की लागत से तैयार हुए 33 केवी सबस्टेशन का लोकार्पण भी किया। वहीं ऊर्जा मंत्री ने घालूवाल में भाजपा ओबीसी सेल के कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र हरोली के प्रवास के दौरान सुखराम चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि चुनाव कब और कैसे होंगे इसका फैसला राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि चुनाव आयोग तय करता है। वहीं सुखराम चौधरी ने देश में बढ़ती महंगाई के लिए कोरोना को सबसे बड़ा कारण बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपचुनाव न करवाने के आरोप जो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सरकार पर लगा रही हैं, वो आरोप बेबुनियाद है। सुखराम चौधरी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी व प्रदेश में जयराम ठाकुर बेहतर काम कर रही हैं। उनके कार्यक्रम हिट है और 2022 में दोनों सरकारों के काम के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में वापसी करेंगे। देखिए, जहां तक उपचुनाव की बात है, जो कोरोना की महामारी है, हिमाचल प्रदेश के लोग सुरक्षित रहें, हिमाचल प्रदेश में कोरोना का रेट प्रतिदिन बढ़ रहा था। हमने चुनाव नहीं टाले, हमने एक रिपोर्ट दी, हमने वस्तु स्थिति से इलेक्शन कमीशन को अवगत करवाया और आगे इलेक्शन कमीशन की उसकी है, अगर वो चुनाव कराना चाहते हैं चुनाव कराएं, हम चुनाव के लिए हमेशा तैयार बैठे। इसलिए मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, उनका जो आरोप है वो निराधार आरोप है। इलेक्शन कमीशन किसी की इच्छा अनुरूप चुनाव नहीं करवाते, उन्होंने प्रदेश की देश की स्थिति को देखकर चुनाव करवाया। देखिए, जहां तक पूरे विश्व की बात है, जब से कोरोना महामारी पूरे विश्व में आई है, भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहा। आप सब लोग जानते हैं कितने लोगों की जान गई और प्रदेश की सरकार को कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए किस तरह से व्यवस्था करनी पड़ी। मैं केवल एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। जब प्रदेश में हमारी सरकार बनी और कोरोना महामारी आई, केवल 60 आईसीयू के बेड हिमाचल प्रदेश में थे। आज उनकी संख्या बढ़कर 800 हो गई और ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र 3 थे, आज उनकी संख्या बढ़कर भी 32 होने वाली है। तो हमारी जो प्राथमिकता है लोगों को बचाने की है, लोगों को कोरोना महामारी से मुक्त करने की है। इसलिए जब कोरोना महामारी आई, सारा बिजनेस बंद हो गया, लोगों की जान की सुरक्षा कैसे की है सरकार की ओर, उसकी ओर ध्यान चला गया, ध्यान सरकार ने पूरा लगाया। इसलिए जो हमारा टैक्स के रूप में पैसा आता था, उसमें बहुत कटौती हो गई, लोगों के रोजगार बंद हो गए, बाहर से हमारे बहुत से नौजवान लोग बाहर छोड़कर घर आ गए। इसलिए देखिए, तो महंगाई का बढ़ना इस महामारी में, इतनी बड़ी महामारी थी, उसमें संभव था वो महंगाई बढ़ी है। हम लोगों को सुविधा देने के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। केंद्र में हमारी सरकार है, परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय जयराम ठाकुर जी प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं। हम अपनी उपलब्धियां लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और सुनिश्चित रूप से हम आने वाले 2022 के चुनाव में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।